हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज किंगडम प्लांटी आज हम किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे जो किंगडम प्लांटी है उसे फर्दर क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम प्लांटे द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स डिपेंड्स ऑन वेदर द प्लान बॉडी हैज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड डिस्टिंग कंपोनेंट्स जो प्लांट्स प्लांटे किंगडम की क्लासिफिकेशन की गई उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे की गई तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स ये था ये देखा गया कि उनकी जो बॉडी है ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है उसमें डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स है या नहीं मतलब उनकी बॉडी में रूट्स स्टेम्स लीव्स प्रेजेंट हैं या नहीं नेक्स्ट क्या देखा गया द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द डिफ्रेंशिएटेड प्लान बॉडी हैज़ स्पेशल टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सबस्टांस विद इन जो प्लांट्स की बॉडी है उसमें फूड और वाटर की कंडक्शन के लिए दो टिश्यूज़ जो हैं प्रेजेंट होते हैं ज़ाइलम एंड फ्लोयम जो ये दो टिश्यू हैं ये मिलकर वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं तो इसमें ये देखा गया कि किस ऑर्गेनिज्म में किस प्लांट में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है और किस में नहीं इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन की गई थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये था फर्दर क्लासिफिकेशन लुक्स एट द एबिलिटी टू बेयर सीड एंड वेदर द सीड्स आर इनक्लोज विद इन फ्रूट्स कि जो प्लांट्स हैं उनमें सीड्स प्रेजेंट है या नहीं और अगर सीड्स प्रेजेंट है तो क्या वो फ्रूट्स से कवर्ड है या नहीं आगे हम ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट में हम देखेंगे कि जो प्लान किंगडम है उसको किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं नॉट हैव हाँ हैिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स जिनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं हैं उन्हें नाम दिया गया थैलोफाइटा इसी में सेकेंड है हैव डिफ्रेंशियटेड बॉडी पार्ट्स जिनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएटेड हैं इनको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया फर्स्ट है विदाउट वेस्कुलर टिश्यू जिसमें वेस्कुलर टिश्यू जो है वो, वो प्रेजेंट नहीं है इसे नाम दिया गया ब्रायोफाइटा विद वेस्कुलर टिश्यू जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है इसे आगे और फर्दर डिवाइड किया गया फर्स्ट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स जो सीड्स जो है प्रोड्यूस नहीं करते उन्हें नाम दिया गया टेरिडो फाइटा सेकेंड इसमें है प्रोड्यूस सीड्स जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं फदर उन्हें आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया फर्स्ट है बेयर नेक्ड सीड्स जिनके सीड्स जो हैं वो नेक्ड होते हैं कवर्ड नहीं होते उन्हें ना, नाम दिया गया जिम्नो सेकेंड है इसमें बियर बियर कवर्ड सीड्स जिनके सीड्स जो है वो कवर्ड होते हैं उन्हें नाम दिया गया एनजियो स्पर्म्स एनजियो स्पर्म्स जो है उसे फर्दर टू कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है इसमें डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स डाइकॉट्स जो है उसमें टू कॉटिलिडन जो है वो प्रेजेंट होते हैं और मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है आगे हम एक एक करके डिटेल में इन्हें पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे थैलोफाइटा की थैलोफाइटा जो है इनकी डिवीजन जो है इस बेसिस पे की गई कि इनका जो बॉडी है उनकी जो बॉडी है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो डिफ्रेंशिएटेड uh, है या नहीं थैलोफाइटा जो है वो यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फाउंड इन मॉइस्ट और वेस्ट वेट प्लेसेस थैलो जो है वो मॉइस्ट और वेट प्लेसेस जहाँ पे नमी रहती है गीलापन रहता है उन एरियाज में पाए जाते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक दैट इज़ मैनुफेक्चर दियर ओन फूड थैलोफाइटा जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं मीन्स ये अपना खाना जो है खुद सिंथेसाइज़ कर सकते हैं इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और बाकी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं रिजर्व फूड इज़ जर्नली स्टार्च जो ये फूड रिजर्व करते हैं वो स्टार्च होता है दे हैव अ सेलुल सेल वॉल अराउंड देअर सेल्स इनकी सेल्स के अराउंड सेलुलोज सेलव वॉल प्रेजेंट होती है दे हैव अलुलर एंड मल्टी सेलुलर ये यूनि सेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी दे दीज प्लांट्स हैव अ सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी इन प्लांट्स की बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है फाइबर लाइक -like होती है ये मैरिन फ्रेश वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं स्पायरो गायरा तो स्पायरो गायरा हम यहाँ देख सकते हैं इनकी बॉडी जो है इसे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो ये एग्जाम्पल है थैलो फाइटा की नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा मोस्ट प्रमेटिव प्लांट्स हैं इनकी बॉडी जो है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं ये मॉइस्ट शेडी एरियाज में पाए जाते हैं इनमें वेस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट नहीं होता नो ट्रू रूट्स स्टेम्स और लीव्स ना ही इनमें जो लीव्स हैं या स्टेम्स या रूट्स हैं वो ट्रू नहीं होते इनको वाटर की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए जो इनमें जो लीव्स या रूट्स जो है जो प्रेजेंट होते हैं उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे राइजॉर्ट्स कहते हैं राइजॉर्ट्स का काम होता है वाटर की एब्जॉर्बशन करना इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं तो रिप्रोडक्शन uh, जो है वो वाटर में इसलिए उसके में वाटर की ज़रूरत होती है क्योंकि जो मेल गैमेट्स हैं वो स्विम करते हुए फीमेल बॉडी तक जाते हैं और इसकी एग्जाम्पल है मॉसिस नेक्स्ट हम बात करेंगे टैरिडो फाइटा की टेरिडो फाइटा कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्लांट्स टू बी इवॉल्व ऑन लैंड टेरिडो फाइटा जो है उसे फर्स्ट टैरिशल प्लांट भी कहा जाता है ये लैंड पे आने वाले सबसे पहले प्लांट्स थे दे आर क्रिप्टोग सीडलेस एंड वेस्कुलर ये जो प्लांट्स हैं टेरिडोफाइटा इन ये इन्हें सीडलेस प्लांट्स कहा जाता है इनमें वेस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है रूट्स स्टेम्स और लीवस में स्पोर्स डेवलप्ड इन स्पोरेंगिया इसमें इनके जो लीव्स हैं उसमें स्पोर्स जो हैं पाए जाते हैं स्पॉन्गिया आर प्रोड्यूस्ड इन ग्रुप्स ऑफ स्पाइरोफिल्स जो स्पोर्स होते हैं लीव्स में उनकी वजह से लीव्स को स्पाइरोफिल्स भी कहा जाता है सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं आगे हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ हम देख सकते हैं फन ये जो फन है जो हमें फिगर में दिख रहा है ये एग्जाम्पल है टेरिडो फाइटा की इसमें जो लीव्स हैं उनमें स्पोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं नेक्स्ट है जिम्नो स्पर्म्स द वर्ड जिम्नो स्पर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिम्नोज मीन्स नेक्ट एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स हैंस नोन एज नेक्ड सीड्स जिमनो स्पर्म जो है वो टू ग्रीक वर्ड से बना है जिम्नोज मीन्स नेक एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स जिम्नोस्पर्म्स आर द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बट अनलाइक एनजियोस्पर्म्स दे प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फ्रूट्स दीज प्लांट्स डेवेलप ऑन द सर्फेस ऑफ स्केल्स और लीव्स और एट द एंड ऑफ स्टॉक्स फॉर्मिंग अ कोन लाइक स्ट्रक्चर जो जिम्नो स्पर्म्स हैं इनमें जो सीड्स हैं वो विदाउट फ्रूट्स होते हैं अब हम आगे इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स ये फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं सीड्स आर नॉट फॉम्ड इन साइड ऑफ फ्रूट दे आर नेक्ड सीड्स जो है वो फ्रूट के इन साइड नहीं पाया जाता वो नेक्ड होता है दे आर फाउंड इन कोल्डर रीजन्स वेयर स्नोफॉल और कर्जी ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ बर्फ गिरती है डे दे डवेलप निडल लाइक लीव्स उनकी जो लीव्स हैं वो निडल लाइक -like उनका स्ट्रक्चर होता है यहाँ हम आगे इसकी एग्जाम्पल देखेंगे पिनस जो है वो इसकी एग्जाम्पल है यहाँ हम देख सकते हैं फिगर में पिनस जो है उसके लीव्स जो है वो निडल लाइक -like है यानी कि सुई की तरह होते हैं लास्ट क्लासीफिकेशन जो है वो है एनजियो स्पर्म्स एनजियो स्पर्म्स जो हैं एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स एंड पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल्स हैं या पोलन ग्रेन्स हैं वो पाए जाते हैं एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स मीन्स इनके जो सीड्स हैं वो कवर्ड होते हैं सीड्स इन एनजियो स्पर्म्स आर क्लोज इन फ्रूट्स जो एनजियो में सीड्स हैं वो फ्रूट्स से कवर्ड होते हैं एनजियो कंटेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन डाइवर्स हैबिटैट जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें जो प्लांट्स हैं वो डाइवर्स हैबिटैट में ग्रो कर सकते हैं देख कैन बी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं दे प्रोवाइड अस नॉट ओनली विद फूड बट ऑल्सो फॉर द फ्यूल मेडिसिन ये सिर्फ हमें फूड ही प्रोवाइड नहीं करते हमें फॉर द फ्यूल और मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं एंजियोस्पर्म्स को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है मोनोकॉटिलिडन एंड डाईकोटिलिडन मोनोकॉट्स जो हैं उनमें सिंगल कॉटिलीडेंट पाया जाता है जबकि डाईकॉड्स में टू कॉटिलीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट्स के जो लीव्स हैं वो लार्ज होते हैं लार्ज नैरो लीफ होते हैं उनमें वेन्स जो होती है वो पैरेलल होती हैं डाइकॉट्स में जो लीव्स हैं वो ब्रॉड होते हैं उसमें नेटवर्क ऑफ वेन्स जो है हमें देखने को मिलती है वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है मोनोकॉट्स में जबकि डाइकॉट्स में रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल जो हमें देखने को मिलती है मोनोकॉट्स में जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं उन मल्टीपल पार्ट्स होते हैं मोस्टली थ्री पार्ट्स जो है देखने को मिलते हैं जबकि डाईकॉट्स में फ्लावर मल्टीपल पार्ट्स जो हैं उसमें भी देखने को मिलते हैं बट उसमें फाइव फोर पार्ट्स जो हैं फ्लावर uh, uh, के वो देखने को मिलते हैं सो so, स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर होप आपको समझ आ गया होगा थैंक यू स्टूडेंट्स